जागदियां कौमां तां अपने नाल होए धक्कियां नूं शीशियां च जड़ के रख दियां ने। साडी बदकिस्मती है कि असीं अकाल तख्त साहिब नूं उसे तरह उसार लिया। चाहीदा तां इह सी कि असीं टठे हुए अकाल तख्त नूं शीशे च जड़ा के रख दे कि साडी कौम रहिंदी दुनिया तक इस हिंद हुकूमत नूं याद रख दी कि यह हिंद हुकूमत यह दिल्ली की सरकार साडी किन्नी दुश्मन है। असी इस देश दे विच कदी विश्वास प्रगट किया सी, साडे वड्डियां ने इस कानून दे विच विश्वास प्रगट किया सी, पर साडे नाल इन्ना वड्डा धक्का किया, विश्वासघात किया साडे नाल, तां असी इस देश नूं अपना देश कहणों हटे आ। जे साडा देश हुंदा ते साडे धार्मिक स्थानां दे उत्ते हमला नहीं सी करदा, जे साडा देश हुंदा ते साडियां धीआं नाल इन्हां दी आर्मी बलात्कार नहीं सी करदी, जे साडा देश हुंदा ते पंजाब नूं आर्मी विच तब्दील नहीं सन करदे, जे साडा देश हुंदा साडे तों पाणी ना खोंदे, जे साडा देश हुंदा तां इस कानून दे विच सिखां दा इक नां तां हुंदा, साडा जिक्र तक नहीं है कि साडी कोई कौम भी हैगी आ। दिल्ली दे विच बेशक मोदी मनमोहन सिंह दूजा तीजा चौथा कोई भी होए, प्रधानमंत्री पंद्रवा होए जां सोलवा होए, दिल्ली दा इको एक प्रोग्राम है कि घट गिणतियां नूं लताड़ना, घट गिणतियां दा खून पीना ते उन्हां दे खून पी के जवान होना। जिहड़े भी बलाई बोलदे ने कई वारी सानूं उन्हां दीआं गल्लां नूं दुरुस्त करना पैंदा है। मैं नवां कुछ नहीं कहांगा, जिवें कबीर ने इत्थे बोलिया कि सानूं पिछली गल नहीं करनी चाहीदी, इतिहास कौमां दी जिंद जान हन, किसे भी संघर्ष दा तुरना चलना बजना जां दो दो हाथ करने जाके वह अपने वड्डियां वडेरियां तों ही सिखदा है। जिन्ना चिर असी आनंदपुर साहिब दी धरती तों लैके नदेड़ तक दे सफर दा जिक्र नहीं करांगे, जिन्ना चिर असी पंजाब दी धरती दे उत्ते खालसे दी गल नहीं करांगे, जिन्ना चिर असी साडे नाल होए धक्कियां दा, चाहे वह 1947 चाहे 1984 होवे, उन्ना चिर क्योंकि पिछे दा इतिहास पढ़ के ही कौमां अगे वधदियां हन। सो यह गल बिल्कुल मैं समझदा कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि इतिहास तो बिना साडा अगे वधना असफलता वालों साडे कदम नहीं जा सकते, जिन्ना चिर असी इतिहास वालों नहीं वधदे। जे बाबा बंदा सिंह बहादुर की गल ना की जाए तो असी जमीना की गल भी नहीं कर सकते, जे असी छोटे साहबजादियां की गल नहीं करते तो असी अपने ते होए जुल्मां की गल नहीं कर सकते, जे असी इस हकूमत दे जुल्म दी जे पिछे ना जाइए तो इसे महीने दे विच 1984 दे विच साडियां गलां दे विच टायर पाए गए, साडियां 10-10 साल दीआं धीआं ते 80-80 साल दीआं बजुर्ग मातावां दे नाल बलात्कार कीते, इत्थों दे लोकां ने एक खास जमात ने सानूं निशाना बनाया, सानूं नेस तों नमूद करन लई इन्हां लोकां ने अड्डी चोटी दा जोर लाया, असी उन्हां दी गल करन नूं किवें रह सकदे हां। असी अपना इतिहास जरूर दसांगे, जागदियां कौमां तां अपने नाल होए धक्कियां नूं शीशियां च जड़ के रखदियां ने। साडी बदकिस्मती है कि असी अकाल तख्त साहिब नूं उसे तरह उसार लिया, चाहीदा तां इह सी कि असी टठे हुए अकाल तख्त नूं शीशे च जड़ा के रख दे कि साडी कौम रहिंदी दुनिया तक इस हिंद हुकूमत नूं याद रख दी कि यह हिंद हुकूमत यह दिल्ली की सरकार साडी किन्नी दुश्मन है। असी इस मोर्चे तो हर पिंड दे नौजवान नूं, हर पंजाब दे बछिंदे नूं, हर पंजाबी नूं, हर दिल्ली दे होए जुल्म दी कहानी घर घर जाके असी बात पावांगे जो दिल्ली ने साडे नाल कीता है, वह गल असी सारिआं दे दिलां दे विच दिमाग दे विच जरूर फिट करांगे कि साडे नाल दिल्ली ने की कीता। जिन्ना चिर असी पिछला इतिहास अपनी नौजवानी नूं नहीं दसदे कि साडे नाल इन्हां ने कीता की है, तो फिर सानूं पता किवें लगेगा कि साडे दुश्मन कौन ने। सानूं पता ही उदों लगेगा कि दिल्ली साडी दुश्मन किवें रही है, दिल्ली ने साडे नाल हुण तक कीता की है। दिल्ली दे विच
बेशक मोदी मनमोहन सिंह दूजा तीजा चौथा कोई भी होए प्रधानमंत्री पंद्रवा होए जा सोलवा होए दिल्ली दा इको एक प्रोग्राम है कि घट गिणतियां नूं लताड़ना घट गिणतियां दा खून पीना ते उन्हां दे खून पी के जवान होना एक खून पीणी जुकान दिल्ली दी दिल्ली दे तख्ते खालसे तो बिना जिहड़ा भी बैठा है उन्हें जुल्म दी इंतहा कीती है उन्हें छोटे छोटे बच्चों तो लैके 80-80 साल के बजुर्गों तक भी नहीं छड़े सो असी उस इतिहास की बात पाणों किवें रह सकते हाँ सो मेरिया ये बेनती हैं कि ये मोर्चे दे विच घट्टो घट सानू ये नहीं कहना चाहिए मैं माफ़ी चाहांगा इस गल की साडा देश असी इस देश दे विच कदी विश्वास प्रगट किया सी साडे वड्डियां ने इस कानून दे विच विश्वास प्रगट किया सी पर साडे नाल इन्ना वड्डा धक्का किया विश्वासघात किया साडे नाल तां असी इस देश नूं अपना देश कहणों हटे हां जे साडा देश हुंदा ते साडे धार्मिक स्थानां दे उत्ते हमला नहीं सी करदा जे साडा देश हुंदा ते साडियां धीआं नाल इन्हां दी आर्मी बलात्कार नहीं सी करदी जे साडा देश हुंदा ते पंजाब नूं आर्मी विच तब्दील नहीं सन करदे जे साडा देश हुंदा साडे तों पाणी ना खोंदे जे साडा देश हुंदा तां इस कानून दे विच सिखां दा इक नां तां हुंदा साडा जिक्र तक नहीं है कि साडी कोई कौम भी हैगी आ बेशक असीं जिन्ने मर्जी दम गजे मारीए हिंदुस्तान दी इस भारत दी सरकार दे कानून दे विच सिक्खी दा कोई नामो निशान नहीं है सिख कौम वजो दर्द नहीं है जो आनंद मैरिज एक्ट भी अजे तक नहीं है असीं हिंदू मैरिज एक्ट दे थले साडे नौजवान जिहड़ी मैरिजा कराउंदे ने कोर्ट दे विच जाके ओह हिंदू मैरिज एक्ट दे थले ही हुंदी है किवें कहीए इहनूं असीं अपना देश जिन्हें साड़ी पत्त लुट ली जिन्हें साड़ी पग ला ली जिन्हें साड़े धार्मिक स्थान तक नहीं छड़े असी इहनूं अपना देश कहण लगे हां अज सानूं शर्म आउंदी आ कदी इह तिरंगा साड़ियां वी घरां दे उत्ते झूलदा हुंदा सी पर अज सानूं इस तिरंगे तों नफरत हो गई है कि इहने साड़ा छड़े ही कख नहीं हुण साड़ी जमीन ते अख रख ली आ हुण साड़ी जमीन खोण आ गए ने मैं किसानां नूं इह बेनती करांगा हर पंजाब दे नौजवान हर उस अणखीले गभरू नूं मैं बेनती करांगा उहदे चरणां च उठो पंजाब दे वारस बनो पंजाब तुहाडा है लीडरां दा नहीं दिल्ली दा नहीं लटेरियां दा नहीं पंजाब तुहाडा है तुसीं पंजाब दे वारस हो उठो जागो जाके अपने हक लवो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।